Hello friends, I'm Richa Sharma. You are watching YouTube channel of Conducive Legal. Ease of doing business ki tarj pe Ministry of Corporate Affairs company incorporation ke liye ek naya web form Spice Plus deploy kar rahi hai. Existing form Spice ki jagah. DI-3 KYC ke baad ye dusra web form hoga MCA par. Although Digital India ke tahat बहुत सारे इनिशिएटिव्स आए हैं, एम परिवहन आप लोगों ने देखा होगा और प्लस डिजी लॉकर्स, और इसके साथ साथ जो एमसीडी के लाइसेंसेस हैं उन सबको भी इन लोगों ने सेंट्रलाइज करके 100% वेब पेज बना दिया है. जैसे कि एमसीडी के लाइसेंसेस में आपका हेल्थ एंड ट्रेड लाइसेंस हो गया, फायर की एनओसी हो गई या डीपीसीसी का लाइसेंस हो गया. स्पाइस प्लस में 10 सर्विसेज हैं जिसमें से 3 सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट की हैं, और एक जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है. जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्पाइस प्लस एक इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म होगा जिसमें कि पार्ट ए नेम रिजर्व करने के लिए रखा गया है और पार्ट बी बाकी सारी सर्विसेज जैसे कि इनकॉर्पोरेशन, डिन अलॉटमेंट, पैन एंड टैन अलॉटमेंट, PF और ESI का रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आपके पार्ट बी में कवर की गई हैं. इनके अलावा पार्ट बी में बैंक अकाउंट ओपनिंग और GST रजिस्ट्रेशन जैसी सर्विसेज भी दी जाएंगी. इसके अलावा एक जो सबसे इंटरेस्टिंग हेड इसमें ऐड किया गया है वो है प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन. ये स्पेसिफिकली महाराष्ट्र स्टेट के लिए किया गया है, बट यहाँ देखने वाली बात ये है कि जो प्रोफेशनल टैक्स है वो नॉर्मली महाराष्ट्र के अलावा भी बाकी बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है. तो फिर इस फॉर्म में स्पेसिफिकली केवल और केवल महाराष्ट्र वाले स्टेट को स्पेसिफिकली क्यों मेंशन किया गया, प्रोफेशनल टैक्स बाकियों को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया. खैर, हम वापस आते हैं अपने स्पाइस प्लस पर. ऑल्दो जब रन फॉर्म हटाने की बात आई तो प्रिमिलरी जो ऑब्जर्वेशंस थी वो ये थी कि अब आप नेम अलग से अप्लाई नहीं कर सकते. नाम आपको जो है वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के साथ ही अप्लाई करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है. फॉर्म स्पाइस प्लस में भी जो पार्ट ए है उसमें आप नेम रिजर्व कर सकते हैं. और ये बेसिकली है क्या, नेम मिलने के बाद अगर आप चाहें तो अपना जो इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है उसे पूरा कर सकते हैं. ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे कि पहले भी होता था कि आप इनकॉर्पोरेशन के साथ स्पाइस फॉर्म में जैसे पहले नेम लेते थे, ऐसे ही इसमें किया गया है कि जैसे पहले क्या होता था, एक रन का फॉर्म होता था और एक स्पाइस फॉर्म होता था. आप रन में नेम रिजर्व कीजिए प्लस स्पाइस भर दीजिए. अब इन्होंने क्या किया है, स्पाइस प्लस एक ही इंटीग्रेटेड फॉर्म में इन्होंने दो पार्ट कर दिए. पार्ट ए जिसमें आप नेम रिजर्व कर सकते हैं और नेम रिजर्व होने के बाद आप फर्दर मूव कर सकते हैं अपनी इनकॉर्पोरेशन के टूवर्ड. और अगर आप चाहते हैं कि इनकॉर्पोरेशन के साथ नाम लेना है तो आप एक बार में इस पूरे फॉर्म को भर सकते हैं. जैसा ही आप सब स्पाइस फॉर्म भर लेंगे उसके बाद आपने इसमें करना क्या है, जैसे ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती हैं तो उसे हमें कन्वर्ट करना होगा PDF में DSC अफिक्स करने के लिए, क्योंकि इसमें जो DSC है वो वेब बेस्ड फॉर्म में नहीं लगेगी. इसके लिए आपको अपना फॉर्म कंप्लीट होने के बाद उसे PDF में कन्वर्ट करना होगा. और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज की तारीख में हिचाता है वो ये है कि अगर मान लीजिए मैंने एक बार फॉर्म भर दिया, अब उसमें मुझसे कोई गलती हो गई तो वो कैसे चेंज की जाएगी. तो उसके लिए इन्होंने बेसिकली क्या किया है कि जो आपका वेब बेस्ड फॉर्म है आप उसमें जाके करेक्शन कर दीजिए और उससे रीजनरेट कीजिए PDF, जैसे कि हम लोग नॉर्मली XBRL में करते हैं कन्वर्जन. अगर मान लीजिए आपने XML में कर लिया और आप PDF में देखते हैं कुछ गलती आ रही है तो हम उसे सॉफ्टवेयर में दोबारा से चेंज करते हैं और XML में दोबारा कन्वर्ट करते हैं. सेम इसमें ऐसे ही होगा कि आप PDF चेंज कर दीजिए और उसमें मतलब वेब बेस्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए और PDF दोबारा जनरेट करके उसमें DSC लगा दीजिए. अब आते हैं इसका नए और एक प्रोविजन क्या है. इसमें ये लिखा गया है कि जो भी कंपनी 15 फरवरी के बाद इनकॉर्पोरेट होगी या बनेगी उन्हें PF और ESI भी इसके साथ मिल जाएगा. जैसा कि हमने इसकी 10 सर्विसेज में देखा कि PF और ESI भी है. इसमें कुछ सर्विसेज इन्होंने मैंडेटरी दी है, कुछ ऑप्शनल दी हैं. जैसे कि इसमें GST ऑप्शनल है लेकिन PF और ESI इसमें मैंडेटरी है, बैंक अकाउंट इसमें मैंडेटरी है. इसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या होगी कि PF और ESI इन्हें अलग से लेने का जो भी प्रोसेस है वो कंपनीज के लिए बंद कर दिया जाएगा. जितनी भी कंपनीज 15 फेब के बाद रजिस्टर होंगी उन्हें मैंडेटरी PF ESI मिल जाएगा.
अब यहाँ पे सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या आएगी कि PFESI पहले 10 एम्प्लॉयज़ के लिए, जिन कंपनी में 10 एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता था। अब यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये हो गई कि सबके लिए मैंडेटरी हो गया है PFESI लेना। यहाँ पे हमें तीन चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। एक, जो कंपनीज पहले से रजिस्टर हैं उनके लिए क्या कोई डेडलाइन ये लोग लेके आएंगे कि PF या ESI रजिस्ट्रेशन आपको अगर कराना है तो आप इस टाइम तक करा लीजिए, या डिपार्टमेंट आगे भी कोई पैरलर सिस्टम चलाएगा या पैरलली काम करता रहेगा उन कंपनीज़ के लिए जो कि 15 फरवरी से पहले रजिस्टर हुई हैं। दूसरा, जिन कंपनीज़ पे PFESI एप्लीकेबल ही नहीं है उन्हें कैसे सेपरेट करेंगे। तीसरा, अभी जो एग्जिस्टिंग लिमिट है 10 एम्प्लॉयज़ की PFESI के लिए, क्या उसे निल कर दिया जाएगा? और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब वो डिप्लॉय कैसे करेंगे, अलग कैसे करेंगे? क्योंकि जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तब आपको आप कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट पे रखेंगे वो तो पता चलेगा ही नहीं। और इससे अगर ऐसा नहीं किया गया, PFESI मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा कंपनीज़ के ऊपर जिनके ऊपर अदरवाइज़ PFESI 10 एम्प्लॉयज़ कम होने की वजह से एप्लीकेबल नहीं होता। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, PFESI रजिस्ट्रेशन तो छोड़िए, PFESI की जो रिटर्न्स है इन्हें कैसे ट्रीट करेंगे, उनके लिए आप क्या करेंगे? या तो आप सबको बोलेंगे कि नील की रिटर्न भरिए, और अगर आप नील की रिटर्न नहीं भरवाते हैं तो आप कैसे उसे सेग्रीगेट करेंगे? क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन है, तो पहले क्या होता था कि अगर 10 से एम्प्लॉयज़ कम है या तो आप PFESI में रजिस्टर करेंगे। अगर अब ये सबके लिए मैंडेटरी हो गया है रजिस्ट्रेशन, तो इसका मतलब है कि रिटर्न भी भरनी ही पड़ेगी, या तो नील की रिटर्न का प्रोविज़न लाया जाएगा या फिर उनके लिए कोई एग्जम्पशन दे दी जाएगी। ये तो अब हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, जब या तो इनके लिए कोई क्लैरिफिकेशन आएगा या फिर कोई ये जो वेब बेस्ड फॉर्म है ये डिप्लॉय किया जाएगा, तो ही हम प्रैक्टिकली इसमें देख पाएंगे कि इसे कैसे और क्या करना है। और भी बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जिनमें कि अभी कन्फ्यूजन है, जैसे बैंक अकाउंट ओपनिंग। बैंक अकाउंट ओपनिंग को कैसे टैकल किया जाएगा? जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में कोई भी आदमी बैंक अकाउंट अपनी कन्वीनियंस से खोलता है, चाहे वो अपने ऑफिस के पास खोले, घर के पास खोले, या फिर कोई स्पेसिफिक जगह पे खोले। अब इसे कैसे टैकल करेंगे? क्या ये मतलब ऐसे स्पेसिफिकली आपको आपके रजिस्टर ऑफिस जहाँ कंपनी का होगा उसके हिसाब से आपको बैंक अकाउंट का एरिया डिप्लॉय करेंगे, या बैंक के कौन कौन से ऑप्शंस देंगे? ये सब तो हमें तभी पता चलेगा जब 15 फरवरी को ये फॉर्म आ जाएगा। तो वेट करते हैं 15 फरवरी का, जब ये फॉर्म आएगा, और उसमें देखते हैं कि क्या क्या नए चेंजेस आते हैं और क्या क्या हम लोगों को इश्यूज आते हैं। तो ये था स्पाइस प्लस के बारे में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल कंड्यूसिव लीगल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।